हूँ अगले भाग के देखो एक मैंबर सू 14 दिता हुआ है, तो असं फिर दोबारा ध्यान देखो 2m भी 14 बराबर रख रहे हैं, एम की घात 2 - 1 भी 14 बराबर रख रहे हैं, तो एम की घात 2 + 1 भी 14 के बराबर रख रहे हैं। इतों एम की वैल्यू आ गई 14/2 × 7 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो असी मान लिया। इधर एम की घात 2 आ गया 14 + 1, तो एम की घात 2 हो गया 15, 15 वर्ग संख्या नहीं होती, 16 होती है, तो यह कट्टी गई रकम। एम की घात 2 आ गया 14 - 1, तो एम की घात 2 बन गया 13, ये भी साड़ी वर्ग संख्या नहीं है, इस करके भी कट्टिया गया, तो साढ़े को एम की वैल्यू सिर्फ 7 आई है बेटा। हुण पाइथागोरियन त्रिगुट के फॉर्मूले असी याद कर चुके सीगे, वो सीगे साढ़े को 2m, एम की घात 2 - 1, तो एम की घात 2 + 1। हुण इहदे विच असी वैल्यूज़ भरांगे, एम की कितनी है 7, 2 7 7 की घात 2 - 1, 7 की घात 2 + 1, तो हूँ साढ़े को आंसर आ रहा 7 × 2 = 14, 7 की घात 2 है बेटा, इनू 14 ना लिख दी हो, ये 7 × 7 है, 7 × 7 = 49 - 1, 49 + 1, तो आंसर कि बनया 14, 48 ते 50, ये बेटा इस सवाल का आंसर होएगा। हुण इहदा तीजा भाग करन लग्गे आं, ध्यान नाल देखना तुसीं। हुण देखो बेटा अगले भाग दे विच साडे कोल जिहड़ा मैंबर दिता गया उह 16 दिता गया है, तो फिर दोबारा असीं पहलां 16 नूं 2m दे बराबर रखिया बेटा, फिर m दी घात 2 - 1 दे बराबर, तो फिर m दी घात 2 + 1 दे बराबर 16 नूं रखिया गया है। इत्थों m दी वैल्यू आई है 16/2 जो कि कट के आता है 8, और एक प्राकृतिक संख्या है, इस करके इसनों असी मान लिया है। एम की घात 2 बराबर 16/1 क्योंकि -1 उत्थे आ गया +1 हो गया, तो एम की घात 2 आ गया 17 जो कि एक वर्ग संख्या नहीं होंगी, वर्ग संख्या 16 होंगी है। इधरों एम की घात 2 आ गया 16 - 1, तो एम की घात 2 बन गया 15, यह भी साढ़े को वर्ग संख्या नहीं है, इस करके यह भी कट्टिया गया। हूँ साढ़े को पाइथागोरियन ट्रिपलेट केड़े है, पाइथागोरियन त्रिगुट दे असी फॉर्मूले याद किए आ, 2m, एम की घात 2 - 1, एम की घात 2 + 1। हूँ ये असी सिर्फ वैल्यूज़ भरने ने, जी एम की वैल्यू साड़ी सुटेबल आई है वो आई है 8, तो 2 × 8, 8 की घात 2 - 1, तो 8 की घात 2 + 1, ये साढ़े को 2 वैल्यूज़ किन्नी बनी, 8 × 2 = 16, इतने 8 की घात 2 है, 8 × 8 = 64, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इतने 2 गुना हो रही होंगी, इतने घात 2, ध्यान रखियो 2 गुना हो रही है, तो 2 गुना ही करनी है, 8 × 2 = 16, 8 की घात 2 नूं 8 × 8 = 64 लिखना बेटा, ये गलती ना करो, बहुत बच्चे करते हैं। 16, 63 ते 65, ये तुहाडा पाइथागोरियन त्रिगुट होएगा। इस तरह साडी अभ्यास 6.2 दे दूजे सवाल का तीजा भाग भी खत्म हो गया है। हुण आपां चौथा भाग करन लगे हाँ, ध्यान नाल देखना बेटा। बेटा चौथे भाग से देखो हुण मैंबर सानूं दिता गया 18, तो हुण उही सेम तरीके नाल कि 2m नूं पहलां 18 दे कोल रखा गया, m दी 2 - 1 नूं भी 18 दे कोल रखिया, तो m दी 2 + 1 नूं भी आपां 18 दे कोल रखिया, तो इतों एम कि बराबर आ गया 18/2 दे, ते कट के एम कि बन गया 9 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। इतने एम की घात 2 आ गया 18/1 दे जो कि कितना होया 19, और 19 कए वर्ग संख्या नहीं होंगी, इस करके कटी गई। अगले पार्ट च एम की 2 आ गया 18 - 1 जो बन गया 17, तो 17 भी कोई वर्ग संख्या नहीं होंगी, तो हूँ एम की घात नूं साडा फाइनल हो चुका है, तो हूँ साढ़े कोल जिहड़ा फार्मूला है पाइथागोरियन त्रिगुट दा वो हैगा है 2m, एम की घात 2 - 1, एम की घात 2 + 1, तो ये असी वैल्यूज़ भरन लगे हैं। एम की वैल्यू आई है 9, तो 2 × 9, 9 की घात 2 - 1, ध्यान रखना बस एम की थान 9 लिखना है बेटा, तो हूँ फिर वही गलती ना करो, 2 नूं 9 नाल गुणा करनी है, 9 × 2 = 18,
इधर नौ की घात दो है बेटा, नौ गुना नौ नौ ना इक्यासी माइनस एक, इक्यासी प्लस एक, तो आंसर आया बेटा अठारह अस्सी तो बयासी। ये तुहाडा पाइथागोरियन त्रिकुट होएगा। इस तरह साडी अभ्यास 6.2 हुण पूरी हो चुकी है। उम्मीद करदा कि तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल ये अभ्यास दे विच पाइथागोरियन त्रिकुट ते वर्ग लैण दा जिहड़ा फॉर्मूला है या जो भी तरीका है तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आया होएगा। जे तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आया तो मेरी जिहड़ी वीडियो है उसनूं लाइक करना ना भुल्लिओ, ते जे मेरा चैनल हजे तक सबसक्राइब ना कीता होए तो जरूर करो, ताकि मैं जो भी कंसैप्ट तुहाडे लई जो भी वीडियोज़ तुहाडे लई बना रहा वो तुहानूं समय नाल मिलती रहे।